मर्डर सीक्वेंस चल ही रहा है कुछ टाइम से हमारे शो में। हमारे शो में एक बहुत ही खूंखार, डरावनी, बहुत ही क्या कहते हैं, बेरहम विलेन है, जो बहुत हॉट है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। चकोरी नाम है उसका, यानी कि हमारी नायरा। एंड मेरी बीवी थी फूली थी, इसलिए क्योंकि इन्होंने उसका काम ख़त्म कर दिया। ये मेरी दूसरी बीवी है, तो इनको सिंगल यूनिक चाहिए था अपना पति। तो अब ये हो गया कि मुझे फर्स्ट बीवी हूँ। हाँ, फर्स्ट बीवी ये है, तो सेकंड आ गई थी पॉजिटिव वाली, तो इसने उसका पत्ता साफ कर दिया। अब मुझे क्योंकि सब पता चल चुका है, तो मैं पीछे पड़ गया हूँ इनकी जान लेने के, और बदले में ये मेरी जान लेना चाहती है। तो पूरा फाइट सीक्वेंस हमारे शो में चालू है। तो आप मुझे कैसे मारने वाली है, कुछ पता है आपको? अभी मैं प्लान्स निकाल रही हूँ, सब आइडियाज निकाल रही हूँ। तुम मर ही नहीं रहे हो यार। मतलब चार बार मार चुकी है मुझे, मैं चारों बार जिंदा होकर बाहर आ गया। दीवार में चुनवा दिया इसने मुझे, उसके बावजूद मैं दीवार तोड़ के बाहर आ गया। क्या तो आगे पैदा हुआ? मेरी कुंडली में मरना आज नहीं लिखा, शायद आगे लिखा होगा, देखते हैं। आज तो मैच नहीं हो रहा है। आज मैंने हॉस्पिटल में भी मारने की कोशिश की, कुछ ना कुछ करके बच ही जाते हैं। मुझे तो लगता है ये मरना ही चाहते हैं। कौन मरना चाहता है, कोई भी नहीं मरना चाहता। तुम ये बोलो, तुम्हारा प्लान फीका पड़ जाता है उम्मीद के सामने। रैम्बो हूँ भाई, अल्टीमेट एक्शन हीरो। मैं छोड़ के रखूंगी तुम्हें। अब इस बार आपको अदाओं से मारना पड़ेगा। अदाओं से तो बेचारी पहले दिन से ट्राई कर रही है चकोरी उम्मीद को मारने की, लेकिन उम्मीद बिल्कुल सख्त लौंडा, बिल्कुल नहीं पिघलता। तो इसने अल्टीमेटली हार मान के बोला, तू नहीं पिघलेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगी, तो वो मारने के पीछे पड़ेगी। और ऑडियंस से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है शो को लेकर? जैसे आई थिंक हमारा नंबर वन शो दंगल पे इसलिए चल रहा है क्योंकि ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है हमारे शो को। एंड जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं, दे आर ऑल रियली लविंग इट। इंस्टाग्राम पे हमारे फैंस बहुत हमको अच्छे कमेंट्स भेजते रहते हैं हमारे शो को लेके। दे हेट हर बिकॉज शी इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एज हर एज चकोरी, and they love Umed because he is such a good guy. So yeah, overall I think response humne jaisa chaha tha waisa hi hua. Yeah, jaise Nishan ne kaha log hate kar rahe hai, uska matlab jo hai character mein bahut acha kar rahi hai, matlab literally pasand kar rahe hai log, literally pasand kar rahe hai mujhe nafrat karne ke liye. They love hating me and I'm like, oh my god, this is the first time I hear they love hating me because you're doing such a brilliant job. She's, main kahunga show ki jaan jo hai na wo chakori hai, kyunki jab ye kuch karti hai to hi show mein drama build up hota hai. To pura drama jo ye itne acche se karti hai, I think that a lot of credit goes to chakori for that. Bahut dimag khatana padta hai logo torture karne ke liye. koi message dena chahenge audience jo dekh rahi hai? Shukriya, aap logo ko hamara show bahut pasand aa raha hai. हम लोग बहुत पसंद आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो मैं अभी का सीक्वेंस बताता हूँ जो आज हम लोग शूट कर रहे थे। तो आज क्या था कि जो बापू सा थे तो उनको है ना चकोरी मासा मुंबईया ने मार मार के घायल कर दिया। तो अब उनको वो लोग गांव वाले तो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो हम लोग पीछे से भागते हुए आ रहे थे तो मेरे को देखा कि जो बापू सा है तो वो जा रहे हैं। हम लोग इतने दिनों से भाग रहे, दो दिन से लगातार भाग रहे हैं, ऐसा सीक्वेंस दिखाया है। हाँ। तो राजस्थान और तो अभी हम लोग फिर है ना इसके बाद है ना ये जो सीन हो रहा था तो यहाँ पे मैं बापू सा के पीछे भागता हूँ। हाँ। तो मैं गिर जाता हूँ, मेरे सिर पे चोट लग जाती है। तो सिर पे चोट लगती है तो मेरे को खून आने लगता है। तो रस्सू अपने हाथ की ये जो पट्टी है कंघी, ये हाथ पे जो मैंने इसको बांधी थी उससे इसके हाथ पे कील लगी थी तो ये मेरे सिर पे बांध देती है। तो ये जब सिर पे बांधती तो मेरी ब्लडिंग रुकती है। फिर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल की ओर। और उससे पहले तो रसाल को भी वो लग चुका था कांटा पैर में, तो मैं उसका सब देखभाल करता हूँ। हम लोग भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और दंगल टीवी का ये नंबर वन शो है आप लोगों का, तो ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुशी है कि इतना लोग पसंद कर रहे हैं शो? हमें तो बहुत खुशी है, बहुत 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 खुशी है। और सब लोग इतने नंबर्स की ज्यादा खुशी है, मतलब जितने नंबर्स दुनिया में होंगे ही नहीं।